गोरक्षा दल असन ध्वज जय सिंहपुरा भाई, अभी 1 बज गया है तो अभी घर से उठ के आए हैं। ये देखो भाई गौ सेवा में लगे रहते हैं और अपना कृष्ण भाई आने वाला है। बिना लाइट की बाइक पे इतना बड़ा रिस्क लेके कृष्ण डॉक्टर जी गौ माता की सेवा के लिए रात को घर से निकलते हैं। फोन करते 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जय गौ माता की सभी को। गोरक्षा दल असंध रात को सूचना मिली है, करीब 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और एक छोटी ही बछड़ी है, इसको है ना कोई ट्रंक वाला या फिर कोई भी साधन वाला इसका पैर खत्म कर गया बिल्कुल पीछे का। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी थोड़ी आराम से चलाए, आपकी 2 मिनट की आराम से गाड़ी चलाने से आपका भी नुकसान नहीं और ये भी बेचारी सेफ रहेंगी। और लोग कह देते हैं कि भाई गौ में सारी सड़कों पर रहती है, इनकी जमीन छोड़ दो भाई गोचर की, तो ये भी अपनी जमीन पे रह लेंगी। अगर बंदे को घर से निकाल दे वो कहाँ रहेगा, वो भी सड़क पे ही रहेगा। अगर अनाथ आश्रम सारे बंद हो गए तो फुल हो गए तो भाई सभी से ये विनती है कि अपना जितनी गोचर की जमीन है सारी खाली करो और इन गायों को उनका अधिकार मिले, तो भाई ये भी सड़क पे नहीं रहेंगी। आप आराम से चलोगे, आपकी भी समझ सावधान नहीं इसमें ना ही आपको नुकसान होगा और ये बेचारी बची रहेंगी। जय गौ माता की सभी को। ये देखिए भाई अभी तो इसमें कूल दवाई भर दिया गाँव में, देखो कितनी पट्टी पे लगा कुल मैक भाई यो ई मैक्स है और पट्टी ला दे फिर मैंने देखा नहीं ऊपर टंके भरे जाऊंगे सवेरे। हाँ, टंके लग गए कोई दिक्कत नहीं सवेरे है नी गुरमीत तय कर दी बस फोन दिन इन बात हो रही है पर आ जा गुर और ब्याह लेंगे टाइम तो हमने कह दिया दर्द में राम मिल गया भी इसने ऊपर डर डक सब लाइक मैं तो जरा टिकल आ गया आवाज भी कोई निकड़े थी इसकी। भाई थोड़ी चोट अपना लेके जा अपने के हाल हो जाए भाई बुरा हो तो सारा पैर सी तरेस का। हाँ। भाई जिस तरह नहीं पकड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं डरे ना ज्यादा क्यों हो रहा है रुक जाए